पंजाब से पलायन करके प्रवासी श्रमिकों का हरियाणा की तरफ आना लगातार जारी है। देर रात भी पंजाब से श्रमिक नदियां जंगल पार करके हरियाणा में आने को मजबूर हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ थके हारे श्रमिकों को हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस आसरा देने में जुटी है। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाएं रात को भी कोई भूखा न सोए श्रमिक लेकर उनकी सेवा में जुटी है। मजदूरों का आरोप है कि पंजाब में मालिक न उनको तनख्वाह दे रहे हैं और पुलिस उन्हें हरियाणा की ओर धकेल रही है। कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल और ज्यादातर प्रवासी श्रमिक पैदल ही भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार के साथ पंजाब से पलायन करके हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश जाने को मजबूर हैं। देर रात हमारी टीम ने जब शंभू बॉर्डर के पास का दौरा किया तो रास्ते में कई प्रवासी श्रमिक कंधे पर सामान उठाए पंजाब से हरियाणा की ओर पलायन करते दिखाई दिए। पूछने पर उनके दिल का दर्द फूट पड़ा। हरियाणा के अम्बाला से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रोग्राम अधिकारी हरियाणा सरकार के आदेश पर देर रात को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अपनी टीम के साथ कोई भूखा न सोए कार्यक्रम के तहत खाना बांटने में जुटे हैं। उनका कहना है कि वे रोजाना 200 के करीब खाने के पैकेट, पानी, पीने का पानी और श्रमिकों के छोटे बच्चों के लिए दूध लेकर निकलते हैं। रास्ते में मिलने वाले प्रवासी श्रमिकों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि कोई भी प्रवासी भूखा न रह जाए। रहते थे पटियाला में 2 महीना लॉकडाउन हो गया, हम खा लिए, नहीं तो कोई पैसा आए नहीं खाने का, कोई सरकार ने हमें कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई आज तक। और अब हम पैदल चल के यहाँ तक आ गए हैं, पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, मार भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं, वो तो जो कुछ कर रहे हैं कर ही रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें। हमारे तरफ की सरकार ये भी नहीं है कि हम निकाल ले यहाँ से, तो मन नहीं तो है, हमें क्या करेंगे। कहाँ जाना है आपने? हमें मुरादाबाद जाना है वैसे तो, और हमारा संभल जिला लगता है। तो कैसे जाओगे फिर आप? पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल ही जाएंगे, कैसे जाएंगे? जब कोई सुविधा ही नहीं कर रही सरकार तो पैदल ही जाएंगे। 2 दिन ऐसा चलते हैं। 2 महीने से हमें कुछ भी नहीं मिला, नहीं कोई पैसा है हमारे पास में, बच्चे घर पे हैं, हम यहाँ भटक रहे हैं, क्या फायदा है। कृष्ण कुमार द्विवेदी है, मैं लुधियाना से आया हूँ, रायबली जा रहा हूँ थुलई गाँव। मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मेरी एक लड़की है, और वहाँ से हम लुधियाना से चले, पैदल चले हैं। कोई साधन नहीं था, ना कोई पैसा था, स्टेशन पे गए, वहाँ टिकट नहीं मिली, बोले पास दो, ऑनलाइन कराया था, टिकट भी नहीं आया हमारा। वहाँ से पैदल हम बच्चों को लेकर के पैदल चले हैं। अब यहाँ अम्बाला से 11 किलोमीटर पहले हम आए हैं और रायबरेली जाना है, देखो आगे के लिए कैसे हमारा रास्ता होता है। तो पंजाब सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं सर, पंजाब सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं किया। हम लोग मांगते थे, जहाँ कहीं लंगर लगता था खाने के लिए जाते थे, बोलते थे है नहीं, ख़त्म हो गया, कहीं चौकी जाओ कहीं थाने जाओ, यही लगाते रहते थे हम लोग। मेरा नाम शिवानी है, हमारा शिवानी नाम है, थाना से आने हैं, गोंडा जाते हैं। हाँ, मैं क्या खा लूँगी, बच्चे मेरे भूखन मरते हैं, ना राशन ना पानी है, ना काम भी चलता है, तो क्या खा ली। लुधियाना से पैदल चले हैं, काम वाम नहीं है बाबू, पैदल जाओगे आप कैसे जाओगे बच्चे। नाम है जी, पटियाले से जा रहे हैं एमपी पैदल, कोई सुविधा नहीं पंजाब में मिली है, परेशान थे, मजदूरी कर रहे थे, अब हमारा परिवार साथ है, पैदल जा रहे हैं, यहाँ रात रुके हैं, सवेरे फिर पैदल घर को चल देंगे। और वो कोई सुविधा नहीं मिल रही जी, रजिस्ट्रेशन भी ऐसी वो मारी जाते हैं कि ट्रेन चलाएंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे, तो पैदल जा रहे हैं, बड़ी परेशानी है। 2 महीने से हो गए रोटियों के लिए, देखो लग जाएगा तो 10-11। मैं मनोज सैनी हूँ, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बाला से प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, और हम रात के समय और दिन में भी जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे आ रहे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, और खुद रोड पे निकल के देखते हैं कि कोई ऐसा प्रवासी भाई रह ना जाए जिसको खाना ना मिले। हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए, इसलिए हम खुद गाड़ी में अपने 100-200 खाने लेके निकलते हैं, ताकि कोई इधर उधर, कोई सफ़ेदों में बैठा होता है, कोई किसी छत में इस पुल के नीचे, देखा ये आपने यहाँ बैठे हैं, तो हमारा मकसद